So, let us start our new chapter, chapter number 9. Fun and quarrel at play. What is the meaning of quarrel? Means झगड़ा करना. Fun means मजाक, मनोरंजन. Okay? जब हम खेलते हैं तो कभी झगड़ा भी हो जाता है, कभी हम मजाक करते हैं, मनोरंजन भी होता है. So let's continue our chapter. You see, our mind becomes dull when we work all the time and have no time to enjoy. हम पूरे टाइम काम करते हैं तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है, डल हो जाता है, कमजोर हो जाता है. ओके, व्हेन वी प्ले गेम्स वी रिलैक्स आवर माइंड. प्लेइंग गेम्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, जब हम गेम खेलते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारे माइंड को आराम मिलता है. तो व्हाई गेम्स आर इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन इज अराइज हियर, व्हाई गेम्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस. सो आंसर इज फर्स्ट, इट इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी. इट कीप अस फिजिकली फिट एंड स्ट्रांग. सेकेंड, इट मेक अस फ्रेश, एक्टिव एंड मेंटली अलर्ट. देन थर्ड, इट इंक्रीजेस आवर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. हमारी सोचने की क्षमता सब बढ़ती है, कंसंट्रेशन होता है. वी आर एबल टू वर्क मोर एंड इन मच बेटर वे. सी द पिक्चर आल्सो, चिल्ड्रन एट आर प्लेइंग. ओके, आई नो यू आल्सो एंजॉय द गेम्स. सो फर्स्ट टॉपिक इज गेम्स एट स्कूल. पीएट स्टैंड्स फॉर फिजिकल एजुकेशन. इट इंक्लूड्स एक्सरसाइजेस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स. We have two periods in a week. Okay, तो हमारे sports periods कितने आते हैं? In a week, सप्ताह में कितने आते हैं? Two. During period periods, we play games in the school. और हम game खेलते हैं. In the playground, the period teacher issues sports equipment to the children to play. Most schools keep sports equipment. Footballs, hockey sticks, bats, balls, stumps and nets and so on for students to play at school. These sports equipments are kept in the sports room. Okay, we have a large playground in our school. We play games there. Okay, then you see the picture. This is first picture is which game is this? Hockey. Then second is cricket. And third one is football. Fourth one is lawn tennis. Okay? So go home, read the chapter carefully. Chapter 9. Bye-bye.